लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। यहाँ पर यदि मान लीजिए आप जो है ये अवार्ड प्रेसिडेंसी, आप पूरा एक एक चीज़ को देख लें। आप PhD करना चाहते हैं तो आपको जो है एक एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अबाउट प्रेसिडेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लें। देखिए, PhD करना है, PhD करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, किस तरह का यूनिवर्सिटी है, ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले बात तो देख लीजिए, ये गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है या किसका है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये वेस्टर्न टाइप हायर एजुकेशन इन एशिया इन 1817 ए ग्रुप ऑफ इलाइटेनमेंट इंडियन एंड इंग्लिश मैन सेटअप द हिंदू कॉलेज। दिस वॉज टेकन ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सब बता दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको जो है देखिए एक एक चीज़ें जो है यहाँ पर देखिए, जब इसको देखेंगे ये हाई लेवल का यूनिवर्सिटी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर PhD प्रोग्राम सेशन 2019-2020 कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 2019। इसको आप क्लिक कर लें पहले, तो ये खुल जाएगा आपका जो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक चीज़ को पढ़ना चाहिए आपको जो है। आप जब PhD करने चाह रहे हैं तो एक एक बात स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर PhD प्रोग्राम सेशन 2019-2020 ये जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम UGC आर UGC CSIR नेट ओनली। ये जो आपका क्लियर नेट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर द सेशन 2019-20। इसका मतलब ये है कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो UGC नेट JRF क्लियर किया हुआ है, चाहे वो CSIR के द्वारा नेट क्लियर हो या UGC के द्वारा नेट किया गया हो, वही कैंडिडेट ही इसमें जो है अप्लाई कर सकेगा। फ्रेश कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। यहाँ पर देखिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन, ये कह रहा है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स का होना जरूरी है, और यहाँ पर भी छूट दे रखा हुआ है SC ST OBC के लिए जो है 5% की छूट। और तीसरा चीज़ मांगा है कि UGC CSIR नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए आप जो है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन 14 फरवरी 2019, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है 14 फरवरी है। फिर उसके बाद में हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी और फिर पब्लिकेशन ऑफ इंटरव्यू टेस्ट शेड्यूल 8 मार्च को होगा, यानी कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू और टेस्ट शेड्यूल 22 प्रोग्राम जो है 8 मार्च को होगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी दे दिया है, देखिए क्या क्या सब्जेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर गौर करेंगे तो एक एक चीज़ सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। बंगाली में अनरिजर्व मतलब अनारक्षित जो है 1 सीट है, OBC में जो है इस तरह का है। हिस्ट्री में 5 सीट है, फिलोसॉफी में 4 सीट है, सोशोलॉजी में 3 सीट है, हिंदी में 2 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट है, केमिस्ट्री में 17, जियोलॉजी में 14, फिजिक्स में 15, लाइफ साइंस में 10, ज्योग्राफी में 1, इकोनॉमिक्स में 8 और मैथमेटिक्स में 10 सीट है। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग इन द वेबसाइट ये नोटिफाइड किया जाएगा, नोट दैट नंबर सीट में बी रिवाइज्ड भी हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च,
ये कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोफिजिक्स, टेपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर अवेलेबल रिसर्च एरिया जो है। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर एट एन इंटरव्यू या टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंटल पीएचडी सिलेक्शन कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इन इंटरव्यू द कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट। फॉलोइंग द एडमिशन प्रोसीजर ए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर विल बी पब्लिश्ड एट डिस्प्ले बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू द रेस्पेक्टिव फैकल्टी ऑफिसेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम विल बी अटैच्ड टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ देयर प्रोविजनल एडमिशन एंड विल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉन रिफंडेबल फीस डिटरमाइंड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको जो है ये दिया हुआ है, अप्लाई करना हो तो अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए तो इस तरह से खुल जाएगा और फिर आपको जो है इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद भी न्यू यूजर आपको करना पड़ेगा। न्यू यूजर मतलब ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, न्यू यूजर रजिस्टर अप्लाई, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग यूजर है हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड। और यदि मान लीजिए न्यू यूजर है तो इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्लिक करके देख रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, क्रिएट पासवर्ड, सब इसको आपको देना है पूरा जानकारी जो है, और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। तो ये अप्लाई हो जाएगा, फिर इसका प्रिंट कॉपी निकाल लीजिएगा और उनको जो है बाय पोस्ट जो है भेज दीजिएगा। जब वो कॉल लेटर आएगा, नेट जेआरएफ है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में।